करेक्ट। जी करेक्ट। चलिए पत्रिका, एक मिनट, अरे पत्रिका किधर गई स्क्रीन? हाँ ये रही, चलिए मिल गई पत्रिका। एक सेकंड में इसको, ये राइट को रब कर दूं, ये राइट बनाओ ना। चलिए अच्छा अब इनके दशम भाव से देखते हैं। लिख ली दशम भाव का स्वामी शुक्र। दशम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। हाँ जी, अब मुझे बताइए, एक मिनट, ये मैं इसको टूल बार को हटा दूं, एक मिनट। हाँ अब देखिए, शुक्र किसके नक्षत्र में? देखिए सब जने, फाल्गुन लिख लो। हाँ अभी लिखो मत, अभी सुन लो फिर लिखवाऊंगा। उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी कौन होता? सूर्य। सूर्य। हाँ तो देखो, शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य कहाँ बैठा है देखो सब जने? हाँ पहले लगन में ही बैठा है, और सूर्य अपनी राशि में ही बैठा है। तो लिखो, व्यक्ति का, व्यक्ति सरकारी नौकरी में होगा, मतलब कौन सी नौकरी में होगी ये? सरकारी नौकरी में। तो हाँ जी, आप सरकारी नौकरी में? जी सर, मैं गेस्टेड ऑफिसर हूँ। देखिए ये गजेटेड ऑफिसर है, तो आप सब जने लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, लिख लीजिए। दशम भाव का स्वामी शुक्र है, दशम भाव का स्वामी शुक्र। शुक्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य, शुक्र का, शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिसका स्वामी सूर्य होता है, जिसका स्वामी, हाँ सूर्य होता है, तो लिख लिए, इसलिए सरकारी नौकरी रहेगी। क्योंकि अच्छा, केवल नक्षत्र भाव में सूर्य होने से ही मतलब नहीं है, सूर्य अपनी राशि में भी बैठा है, सिंह राशि में। कहाँ बैठा है? सिंह राशि में। हाँ और गुरु के साथ भी बैठा है, गुरु होता है राज्य कृपा, गुरु भी सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद करता है, तो गुरु के साथ बैठा है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगे। कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन क्योंकि सूर्य बैठा है गुरु के साथ, सूर्य बैठा है के और गुरु से देखते हैं शिक्षा, गुरु से क्या देखते हैं? शिक्षा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी रहेगी। क्लियर यहां तक? जी सर। चलिए अब इनके मकान का देखते हैं। तो चौथे भाव का स्वामी कौन है? देखिए हाँ मंगल मंगल। अब मंगल देखिए कौन से नक्षत्र में? हाँ अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा आश्लेषा मतलब बुध। तो देखो अब बुध कहाँ बैठा है देखो? हाँ बुद्ध सेकंड सेकंड हाउस का बुध सेकेंड हाउस में बैठा है, शुक्र और केतु के साथ। शुक्र और, देखो शुक्र, शुक्र होता है बंगला, शुक्र क्या होता है? बंगला। लेकिन बुध की राशि भी उधर, तो बुध होता है फ्लैट, तो इनके भाग्य में फ्लैट और बंगला दोनों है, फ्लैट और। हाँ जी अब मुझे बताइए, आप कभी फ्लैट में रहे? देखिए और फ्लैट में ही रहती हूँ। अच्छा मैंने मैंने फ्लैट को ही जोर दिया, मैंने बंगले को जोर ही नहीं दिया, है ना? फ्लैट में ही रहती हूँ और वो बंगले जैसा मीन्स बड़ा है, हाँ लग्जरियस। हाँ जी, हाँ, लग्जीरियस फ्लैट है। तो हाँ अब चलो सब जने लिख लो, सूत्र लिखो, आप भी लिखो, जो स्टूडेंट है वो सब लिखो। हाँ जी सर। चौथे भाव का स्वामी मंगल है, चौथे भाव का स्वामी मंगल मंगल है। आश्लेषा नक्षत्र में है, मंगल अश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा का स्वामी बुध होता है, आश्लेषा का स्वामी, बुध होता है। कन्या और बुध कन्या राशि में बैठा है, बुध। राशि में स्वयं का ही बैठा है अपने उसमें। हाँ तो लिखो बुध से फ्लैट देखते हैं, बुध से फ्लैट देखते हैं। तो व्यक्ति फ्लैट में रहेगा, परंतु बुध शुक्र के साथ बैठा है तो लग्जरियस फ्लैट रहेगा। तो लग्जरियस फ्लैट रहेगा। और हो सकता है वो फ्लैट कॉर्नर का है क्या, या वो, करेक्ट सर, करेक्ट, 100% सही करेक्ट। है? लिख लीजिए, बुध केतु के साथ बैठा है इसलिए फ्लैट कॉर्नर का रहेगा, फ्लैट। कॉर्नर का है सर। चलिए इतना खतरनाक प्रेडिक्शन देखा आज तक, अच्छा है ऑसम। चलिए सर। थैंक यू। सर हाँ एस्ट्रोलॉजी का भी सर इसमें थोड़ा बताइए सर। हाँ जी अब चलो, अब इनके एस्ट्रोलॉजी का भविष्य देखते हैं। वो तो दशम भाव से दिख गया है, क्योंकि ओके देखिए, दशम भाव का स्वामी वो था शुक्र, और वो सूर्य के नक्षत्र में,
और सूर्य बैठा है गुरु के साथ। सूर्य गुरु भी एस्ट्रोलॉजी होते हैं। सूर्य गुरु क्या होते हैं? एस्ट्रोलॉजी होते हैं, तो सबसे हाई लेवल की एस्ट्रोलॉजी होते हैं सूर्य गुरु, क्योंकि सूर्य से ही तो सारे प्लेनेट्स ओरिजिनेट हुए। जी सर, मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों करता हूँ, मेरे 10th हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है। हाँ, और गुरु गुरु क्या होता है, सलाह देना, गुरु ज्योति सलाह और धर्म है, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे और आप ट्रेनर भी रहेंगे। क्या रहेंगे? ट्रेनर, क्योंकि सूर्य ट्रेनर बनाता है। सूर्य क्या बनाता है? ट्रेनर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का ट्रेनर, जैसे मैं हूँ, तो आप एस्ट्रोलॉजी के ट्रेनर रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इनकी बीमारियां देखते हैं। अब छठे भाव पे आ जाओ। छठे भाव का स्वामी शनि है। शनि कौन से नक्षत्र में, ढूंढो सब। हाँ जी, लिखो शनि अश्विनी में। अभी लिखना, मतलब अभी सुनो, अश्विनी का स्वामी केतु होता है और केतु बैठा है शुक्र बुध के साथ। तो देख, पहले तो बुध के साथ बैठा है, तो आपको थायराइड है? है सर, मुझे कैसे मालूम? ठीक है, देखिए एक ही झटके में सही बताया है। फिर सुनिए, और शुक्र के कारण गायनिक प्रॉब्लम, पाइल्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहेगी। सर अभी तक तो ऐसा सच नहीं है सर। हाँ नहीं, देखो ज्योतिष में अभी चलता ही नहीं है, ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेस्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, समझ रहे ना, ये तो पूरी जीवन का है, पूरे जीवन का है। चलिए, तो इनको एक तो थायराइड रहेगा, क्योंकि अब सब सूत्र लिख लीजिए। छठे भाव का स्वामी शनि है, छठे भाव का स्वामी शनि है, और शनि का नक्षत्र स्वामी फिर से बताइए कौन है, नहीं मतलब नक्षत्र स्वामी का नाम बताइए। अश्विनी एंड केतु है उनका नक्षत्र। अच्छा, नक्षत्र स्वामी हमेशा बताना है, क्योंकि अपन मीना नाड़ी कर रहे हैं। तो लिखिए, छठे का स्वामी शनि है और उसका स्वामी बुध है, उसका नक्षत्र स्वामी बुध है और बुध अपनी राशि में बैठा है और छठी राशि में बैठा है, जो छठी राशि बीमारी की होती है, कन्या राशि, तो इसलिए व्यक्ति को थायराइड रहेगा। व्यक्ति को थायराइड रहेगा। चलो आया समझ में? हाँ जी सर, बुध से थायराइड देखते हैं और बुध अपनी राशि में ही बैठा है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब कौन सा हाउस देखे आप ही बताएं सर, अब मेरा एक बार फॉरेन वाला बता दीजिए, फॉरेन कंट्री वाला। फॉरेन का देख देते हैं फटाफट। 12वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बताइए फटाफट। एस्टा मर्क्यूरी। हाँ, बुध। अब लिखो, बुध किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ और केतु के साथ, ठीक है। बुध बैठा है राहु केतु के प्रभाव में, तो राहु केतु होते हैं हांगकांग, राहु केतु क्या होते हैं? हांगकांग। और शुक्र होता है थाईलैंड, रशिया और स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, रशिया और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और हाँ, यहाँ तक क्लियर जी सर। फिर देखो, शनि के कारण लंदन भी जाएंगे, जो 9th हाउस में शनि बैठा है ना जी, और 12वें भाव में मंगल बैठा है, तो मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री भी जाएंगे। हाँ, और दुबई जरूर जाएंगे। अभी तक कहीं गए सर? अभी तक तो कहीं नहीं गए। हाँ जी, तो ये कंट्री जो बताई वहां वहां जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, आप सब जने नोट्स के रूप में लिख लो, या अभी लिखो, 12वें भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध। बुध, देखो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बुध है और बुध का संपर्क है राहु केतु से, राहु केतु हांगकांग होते हैं, राहु केतु हांगकांग होते हैं, और शुक्र थाईलैंड, रशिया और स्विट्जरलैंड होता है, थाईलैंड, रशिया, स्विट्जरलैंड होता है, थाईलैंड, रशिया और स्विट्जरलैंड। और नवम शनि के कारण लंदन, नवम शनि के कारण लंदन, और 12वें में वो मंगल बैठा है, इसलिए इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री जाएंगे विदेश यात्रा के रूप में, ठीक है।